तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल दो पिकअप वाहन में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई और चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में पूरी जानकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता घनश्याम सिंह, उनसे जानेंगे। जी घनश्याम जी, बताइए क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए बता दूं, शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के चिरई घाट का ये पूरा मामला है, जहाँ पर दो पिकअप वाहन के आमने सामने की भिड़ंत तो देखने को मिली है। इसमें कुल 40 लोग जो है सवार थे, जिसमें से 37 लोगों को चोटें आई है और चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दूं कि जसपुर के आस्था क्षेत्र से एक पिकअप में सवार होकर करीब 37 लोग एक शादी समारोह में सम्मिलित होने खैराडी जा रहे थे। इसी दौरान चिरई घाट पर सामने से आ रही एक अन्य पिकअप वाहन से उसकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के बाद जो जसपुर क्षेत्र से पिकअप आ रहा था वो घटना स्थल पर ही पलट गया और पलटने के बाद उसमें कुल जो 37 लोग सवार थे, जिसमें 21 पुरुष और 16 महिलाएं और कुल बच्चे थे, इन सभी को हल्की हल्की चोटें आई, जिसमें चार की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर बता दूं कि SDOP कुसमी सहित शंकरगढ़ थाना प्रभारी और शंकरगढ़ के लगभग सभी स्टाफों ने मिलकर के इन घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ पहुंचाया, जिसके बाद इन्हें तत्काल उपचार मिल सका और जो गंभीर रूप से घायल चार लोग थे उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। इसमें देखिए लापरवाही भी देखने को मिली है कि एक पिकअप वाहन में 35 से 40 लोग सवार होकर ठूस ठूस कर भरे हुए थे। गनीमत रहा कि जो सड़क हादसा हुआ वो बड़े हादसे में तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है वो चिरई घाट बेहद ही खतरनाक स्पॉट माना जाता है, खतरनाक रोड है और जो बगल का इलाका, बगल का जो रास्ता है वहां पर पूरी तरह से खाई है, तो थोड़ी सी लापरवाही यहां पर काफी भारी पड़ सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि इसमें ज्यादा किसी को चोटें नहीं आई। जी घनश्याम जी, संवाददाता का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर बड़ा सारा हादसा हुआ है।